सुप्रीम कोर्ट ने मार्केटें और कारोबारी सरगर्मियां हफ्ते और इतवार को बंद करने का फैसला कलदम करार दे दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि आप दुकानें बंद करेंगे तो दुकानदार तो कोरोना के बजाय भूख से मर जाएंगे। SOPs पर अमल करवाना है, लोगों को डराना नहीं, ताजरों से बदतमीजी करनी है, ना ही रिश्वत लेनी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कोरोना आज खुद नोटिस की समाप्त हुई। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने समाप्त की। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने बजरिया वीडियो लिंक कराची से दलाइल दिए। अदालत ने कहा कि क्या वबा ने हुकूमतों से वादा कर रखा है कि वो हफ्ते और इतवार को नहीं आएगी? क्या हुकूमतें हफ्ते और इतवार को थक जाती हैं? क्या हफ्ता इतवार को सूरज मगरिब से निकलता है? हम तहरीरी हुक्म देंगे हफ्ते और इतवार को तमाम छोटी मार्केटें खुली रखी जाएं। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि जैनब मार्केट खोली जाए, इसमें ज्यादातर गरीब लोग आते हैं। जैनब मार्केट में लोगों को SOPs पर अमल करवाएं। SOPs पर अमल कराना है, लोगों को डराना नहीं, ताजरों से बदतमीजी करनी है, ना ही रिश्वत लेनी है। दुकानें सील करने के बजाय SOPs पर अमल करवाएं। जो दुकानें सील की गई हैं उन्हें भी खोल दें। छोटे ताजर कोरोना के बजाय भूख से ही ना मर जाएं। अदालत ने कहा कि वजारत कौमी सेहत की रिपोर्ट अहमियत की हामिल है। जिन छोटी मार्केट्स को खोला गया है वो कौन सी हैं? क्या जैनब मार्केट और राजा बाजार छोटी मार्केटें हैं? क्या तारिक रोड और सदर का शुमार भी छोटी मार्केट्स में होता है? जिस पर एडवोकेट जनरल सिंह ने कहा कि शॉपिंग मॉल्स के अलावा तमाम मार्केटें खुली हैं। दूसरी जानब नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने 123 सफात पर मुश्तमिल रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई है, जिसमें कोरोना से निमटने के लिए किए गए इकदाम और सरहदों पर करंतीना मराकज के हवाले से तफसीलात भी शामिल हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि वजीर आजम ने NDMA के लिए 25 अरब 30 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। वजारत सेहत की जानिब से 50 अरब रुपए मुख्तस किए गए, जो ताहाल जारी नहीं किए गए।